हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक लैपटॉप आया है एप्पल का मैकबुक प्रो, जिसका मॉडल है 1278A1278। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है जब हम इसे ऑन करते हैं, ये इसका मोस्टली प्रॉब्लम इसमें आता है कि आपका हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं होता है, हार्ड डिस्क का एरर आता है। इस टाइप की इसमें कई तरह की प्रॉब्लम आती है। तो अभी आप देखोगे हमारी मशीन ऑन हो गई है, पर इसमें आप यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है, हमारा OS नहीं चल पाता है। तो अभी आपको हम दिखा रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, किस प्रकार होती है और इसमें प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हैं। तो ये आप देखोगे एरर आ रहा है हमारा। ये एरर किस चीज़ का होता है, ये हमारा OS नहीं ढूंढ पा रही है मशीन, यानी हमारी ऐसे हार्ड डिस्क या जो भी इसमें बूट डिवाइस लगा हुआ है वो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम देखते हैं कि वो क्या पता लूज कनेक्शन है हमारा, किस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है हम बताते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह का कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। ये जो 1278 मॉडल होता है तो काफी पुराना मॉडल है एप्पल का, पर ये मशीन बहुत अच्छी चली है एप्पल में। ये मशीन जो आई थी 1278 मॉडल बहुत चला है। इसमें बैटरी वगैरह और आपका जैसा हमारा हार्ड डिस्क, इसमें हार्ड डिस्क के साथ ही आया था जब SSD नहीं था, उसके बाद जो मॉडल आया उसमें SSD आनी शुरू हो गई थी। पर जो ये 1278 मॉडल आया है इसमें SSD नहीं आई थी, तो ये हार्ड डिस्क पे भी अच्छा चलता था और इसमें एक्सपेंडेबल था कि आप SSD लगा सकते हो, 60 SSD इसमें लग सकती है। यदि आपके पास भी मशीन है और वो स्लो चल रही है तो उसमें आप SSD लगवा सकते हैं और OS एप्पल वाला OS इंस्टॉल करके उसे भी आप फास्ट कर सकते हैं। ये मशीन बड़ी अच्छी है। तो एप्पल की हम बात करें, बैटरी वगैरह भी बैकअप इसका अच्छा होता है, स्पीड के मामले में भी ये अच्छी है मशीन। वैसे ओवरऑल हम यदि बात करें रिव्यू की, इसकी की बात करें तो ये मशीन बड़ी अच्छी है। 1278 आज भी चलता है, पुराना तो मॉडल 10 साल पुराना है कम से कम भी, पर चलने में या यूज करने में फंक्शन में अब यदि बात करें तो ये बड़ी अच्छी मशीन है। ये आप देखोगे इस मशीन में ये SSD लगी हुई है, क्रूशियल की SSD लगी हुई है, तो फिर हमारी हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रही है। वही हम देखते हैं एक बार खोल के कि क्या पता हमारे कनेक्शन की प्रॉब्लम है या किस चीज की प्रॉब्लम है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और कमेंट में आप बता सकते हैं हमें प्रॉब्लम कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। और सबसे पहले काम क्या होता है हमारा, हम आपको बताते हैं कि बैटरी को कुछ भी हटाने लगाने से पहले हम अपनी बैटरी को डिसकनेक्ट कर लेते हैं। कोई भी लैपटॉप हो आपका, एप्पल हो, डेस्कटॉप हो, ये विंडो का हो, कोई भी हो, पर ये आप डिसेबल कर लेते हैं सबसे पहले। ये हमारी ऐसा हार्ड डिस्क का कनेक्टर, ऐसा SSD का, तो उसको हम एक बार हटा के दोबारा लगा के देखते हैं, क्या पता इसकी वजह से भी इसमें प्रॉब्लम आ जाती है। दूसरा आप देखोगे ये हार्ड डिस्क जो कनेक्ट होती है डायरेक्ट मदरबोर्ड पे नहीं होती, किसी केबल के थ्रू होती है, और इस कंडीशन में हमारी केबल की भी प्रॉब्लम हो जाती है कि केबल की वजह से भी हमें ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। तो हम वही लगा के पहले रिकनेक्ट करके देखते हैं। ये आप देखोगे अभी भी हमारा एरर आ रहा है, तो हो सकता है इसमें हमारी केबल की प्रॉब्लम होती है। इसमें इस मॉडल में केबल की ही प्रॉब्लम मोस्टली आती है जब हमारी SSD डिटेक्ट नहीं होती है। तो हम इसको बंद करते हैं और केबल चेंज करके दिखाते हैं कि केबल चेंज करने के बाद हमारी मशीन ऑन हो रही है या नहीं हो रही है। तो एक बार हम केबल भी चेंज करके देख लेते हैं। ये इसकी केबल होती है जो हार्ड डिस्क से मदरबोर्ड पे लगती है, तो वही हम केबल चेंज करके देखते हैं कि उससे प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम हमारा आ रहा है। तो ये हम केबल चेंज करके एक बार देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम केबल में है या किसी और चीज में है। ये दूसरी केबल लगाई है हमने, बाहर से ही एक बार चेक करते हैं। हमने फिट कर ली है SSD केबल लगा के दूसरी। बार ऑन करके देखते हैं कि हमारा फोल्ट ठीक हुआ है या अभी भी सेम आ रहा है।
ये आप देखोगे हमारा एरर अभी भी सेम है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें मदरबोर्ड की प्रॉब्लम है और मदरबोर्ड रिपेयर हम सूरज कंप्यूटर्स करते हैं। यदि आपके पास भी ऐसा कोई भी एप्पल के लैपटॉप में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप सूरज कंप्यूटर्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। सूरज कंप्यूटर दिल्ली NCR में सर्विस देते हैं, दिल्ली में आपका द्वारका में है, नेहरू प्लेस में है, गुड़गांव में है, कहीं भी आप दिखा सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो एप्पल लैपटॉप में आप सूरज कंप्यूटर्स को दिखा सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इस लैपटॉप को जो हमारा हार्ड डिस्क डिटेक्ट नहीं हो रहा था उसको मदरबोर्ड रिपेयर कर लिया। मदरबोर्ड रिपेयर करने के बाद मैंने इसे पैक किया है और पैक करके अब इसको टेस्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं कि हमारा हार्ड ड्राइव, ये हमारा हार्ड ड्राइव डिटेक्ट कर गया है और हमारा ये मैक का OS ओपन हो रहा है। अभी देखते हैं कि हमारा ओपन होके क्या दिखाता है। अगर ये हमारा हो गया है तो अभी हमारा यूजर शो कर जाना चाहिए, जो कि हमारा यूजर शो कर गया है, एडमिन हमारा यूजर है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा जो विंडोज पहले ओपन नहीं हो रहा था, वो उसमें डायग्नोस करने के लिए सबसे पहले हमारा जो केबल होता है हम केबल लगा के चेक करना पड़ता है। केबल लगा के चेक करने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा हार्ड ड्राइव भी खराब हो जाता है, तो हमें दूसरी हार्ड ड्राइव लगा के टेस्ट करनी पड़ती है। उसके बाद भी अगर नहीं होता है तो ये फिर ये मदरबोर्ड की प्रॉब्लम होती है और फिर मदरबोर्ड पे काम किया जाता है। तो अगर आपके भी लैपटॉप में ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो आप सूरज कंप्यूटर से संपर्क कर सकते हैं।